Good morning, everybody. You are watching the channel Chemical. Students, Nakaran Singh, IIT Gate, CSIR NET, EIR 40. IIT Gate और CSIR NET की preparation करवाता हूँ, but कुछ छोटे बच्चों की विशेष आग्रह पर मैं ये क्लास 7th और 8th के लिए एसिड बेसिस एंड साल्ट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपने ये चैप्टर एक बार सुन लिया ध्यान से एसिड बेसिस एंड साल्ट को, तो इस चैप्टर का कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना आए। नाउ स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि एसिड्स क्या होते हैं। बैठ जाओ। एसिड्स बेसिस क्या होते हैं इंफॉर्मेशन देता हूं, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी और इसी वक्त तुरंत अपनी एक कॉपी निकालिए और एक पेन निकालिए और उसको नोट करते आइए जो यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाए, निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए नोट करते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ओके, रेडी? तो हम बात करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स दो सब्सटेंसेस विच आर साउर इन टेस्ट एंड दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, तो ये वीडियो जो है ना आप पॉज करके बैक करके भी देख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो हमने कहा कि एसिड्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर साउर इन टेस्ट एंड दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड्स। ये अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ब्रीफ में, फिर मैं एसिड और बेस के बारे में डिटेल बताऊंगा। बेसिस क्या होते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। और साल्ट क्या होते हैं कि व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर एक वर्ड का यूज किया जाता है, इंडिकेटर। आपने नाम शायद सुना होगा इंडिकेटर, मैं बात कर लेता हूं इंडिकेटर की। इंडिकेटर, इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच इज यूज टू डिटेक्ट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। सपोज दैट आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है, मैंने यहां देखा कि ये आपको सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, और एक सब्सटेंस का यूज करते हैं उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके द्वारा हम ये पता लगा सके कि इसके अंदर जो रखा हुआ सॉल्यूशन है ये एसिड है या बेस है, उसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। तो हम इंडिकेटर का मतलब हो गया, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, नोट करते जाना आप लोग। ये सब्सटेंस इंडिकेटर का मतलब हुआ कि ये सब्सटेंस विच इज यूज टू डिटेक्ट द गिवन सॉल्यूशन, विच इज यूज टू डिटेक्ट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये राइटिंग के साथ दिख रही है, ये स्पष्ट क्लियर आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है? ओके सर, इसमें थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा, वो कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो वाला दिख सकता है। तो हमने कहा कि सब्सटेंस विच इज यूज टू डिटेक्ट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मुझे अगर कोई भी गिवन सॉल्यूशन है और ये बताना है कि वो एसिडिक या बेसिक है, उसके लिए जो सब्सटेंस का यूज करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं इंडिकेटर। सब्सटेंस विच इज यूज टू डिटेक्ट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। कोई भी सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसके लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की मैं टाइप्स की बात कर लेता हूं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं,
types of indicator. Basically indicator two types के होते हैं. तो देखो कौन कौन से indicators होते हैं बता दें. नंबर फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स. सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ओके अब जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स के मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं. नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे कि हम कहेंगे लिटमस, सेकंड है रेड कैबेज, और थर्ड है टर्मरिक, फोर्थ है लिटमस रेड कैबेज टर्मरिक चाइना रोज. ओके इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स देते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जैसे हम कहेंगे दो होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन. ओके अब हम बात कर लेते हैं लिटमस. एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे. लिटमस क्या है? देखो लिटमस जो है लिटमस दो फॉर्म में हो सकता है, या हो सकता है कि लिटमस पेपर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, या फिर लिटमस जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है. लिटमस पेपर में हो सकता है और लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है. ये एक्चुअली जो लिटमस है ये लिटमस पेपर एक प्लांट होता है लाइकेन प्लांट, उससे ये बनाया जाता है. तो लिटमस जो है, अब अगर सपोज दैट मैंने लिटमस पेपर की बात की तो ये लिटमस पेपर टू टाइप का होता है. एक होता है रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर. अगर लिटमस पेपर की बात करेंगे तो दो तरह का हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. काम क्या होता है, ये रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर ये नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल दे दिए तो आप लिटमस पेपर का नाम बता देंगे. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर. अब ये इंडिकेट क्या करता है, कैसे बताता है कि कोई भी एसिड है या बेस है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो रेड लिटमस पेपर क्या करता है कि अगर आप ऐसा लिटमस पेपर होता है, कैसे बताते हैं आपको कभी लेबोरेटरी में देखने का मौका मिले तो इस तरह की एक स्ट्रिप टाइप की होती है, ऐसे पट्टी टाइप की होती है स्ट्रिप, ये होता है लिटमस पेपर. तो इस तरह से कभी लैब में जाना तो देखने को मिलेगा. तो रेड लिटमस पेपर क्या करता है कि अगर हम कहेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डालने पर अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है. सॉल्यूशन की दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा या फिर सॉल्यूशन बेसिक होगा, दो ही केस होते हैं. अब देखो तो हमने कहा है कि सॉल्यूशन जो है, जब हमने क्या किया इस रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डाला, बात समझना, रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डाला और रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है. क्लियर हो गया? तो इट मींस हम कह सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, ठीक है, या बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर, बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर पेपर इनटू ब्लू. क्लियर हो गया? तो रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालने पर अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन जो हमने लिया है वो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है. अगर रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालने पर रेड ही रहता है, रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालने पर अगर रेड ही रहता है
तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सर एसिडिक। तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, राइट। अब देखो इसके बाद में बात कर लेता हूं ब्लू लिटमस पेपर की। ब्लू लिटमस पेपर की खास बात क्या होती है कि ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालने पर अगर ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू लिटमस पेपर कैसा कन्वर्ट हो जाता है ब्लू से रेड में, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? नो, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। या हम जैसे कह सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हम क्या कहेंगे कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सॉल्यूशन हमारा किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। क्लियर है? और ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है, तो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लिटमस पेपर के द्वारा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेड कैबेज की। क्लियर है? तो रेड कैबेज, कैबेज क्या होता है? कैबेज भी सुना होगा, बंद गोभी होती है। वैसे तो कैबेज एक्चुअली ये फॉरेस्ट वगैरह में पाया जाता है रेड कैबेज, और रेड कैबेज इंडिकेटर का काम करता है। ये नेचुरल इंडिकेटर है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी एक या दो नेचुरल इंडिकेटर के नाम बताइए, तो हमने आपके पास चार लिख दिए। लिटमस पे लिटमस हो गया, रेड कैबेज, टर्मरिक, चाइना रोज, ये इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। रेड कैबेज की अगर मैं बात करता हूं तो रेड कैबेज का क्या निकालते हैं हम? उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब उसका जूस निकालते हैं। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड और बेस का कैसे पता लगाएगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, अगर रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट को किसी सॉल्यूशन में डालने पर वो किस कलर का हो जाता है? सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं यहां से कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट कन्वर्ट बेसिक सॉल्यूशन इन ग्रीन। रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट अगर है तो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट का मतलब जो रेड कैबेज है उसका हमने जूस निकाल दिया, तो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट अगर किसी सॉल्यूशन में डालने पर वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन जो हमारा है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। यहां पर जैसे मान लो सपोज दैट ये सॉल्यूशन ले रखा है, इस सॉल्यूशन में आपने क्या डाला? यहां पर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को डाला। तो जब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के डालने पर अगर ये सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। अगर कोई चेंज नहीं होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन है। इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक जो घर पे यूज होती है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं। तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर का काम करता है। कैसे करता है? देखो कि अगर हम क्या करते हैं, टर्मरिक को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, और वो सॉल्यूशन हमारा कैसा आ जाता है? रेडिश ब्राउन। टर्मरिक को अगर किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और सॉल्यूशन अगर हमारा रेडिश ब्राउन आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि टर्मरिक को किसी सॉल्यूशन में डालने पर अगर सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाए? रेडिश ब्राउन कलर हो जाए या रेड कलर हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। अगर सॉल्यूशन में डालने पर
सॉल्यूशन का कलर कोई भी चेंज ना हो तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरह टर्मरिक के द्वारा भी हम ये बता सकते हैं कि कोई गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। इसके बाद एक और बात करते हैं चाइना रोज की, जो हमें नहीं जानते तो नोट कर लो। बुढ़ाई चाइना रोज देखो कैसे वर्क करता है। चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट है, चाइना रोज का जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो जूस है उसका जो रस निकालते पत्तियों से, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को अगर किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन में डालने पर उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। अगर सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन किस नेचर का है? बोलो, सॉल्यूशन है बेसिक नेचर का। तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। इससे एक बात सुन लीजिए, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। अगर चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन का कलर अगर हमारा डार्क पिंक कलर हो जाए, सॉल्यूशन का कलर अगर हमारा डार्क पिंक हो जाए तो इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन जो है कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गई इसके बारे में, चाइना रोज के बारे में। फिर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे, थोड़ी सी बात करता हूं। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे पास टू हैं, कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब हो गया कि जो केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो देखो सिंथेटिक इंडिकेटर के द्वारा हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर मिथाइल ऑरेंज को, अगर मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन जो है, मिथाइल ऑरेंज को हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और सॉल्यूशन में डालने पर अगर कलर हमारा सॉल्यूशन का कैसा आ जाता? रेड। बस समझना कि अगर हम मिथाइल ऑरेंज को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन का कलर एकदम से रेड आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन हमारा किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। इससे पता चल रहा है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन मिथाइल ऑरेंज के द्वारा। अगर हम क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और सॉल्यूशन का कलर येलो कलर का सॉल्यूशन आ जाता है, सॉल्यूशन का कलर कैसा आ जाता है? येलो। तो इसका मतलब समझ गए आप क्या हो गया, जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। ये हो गया कंप्लीटली मिथाइल ऑरेंज के बारे में। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। देखो इसको कैसे करेंगे कि फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर को जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें क्या होता है कि कलरलेस सॉल्यूशन रहता है। सॉल्यूशन अगर हमारा कलरलेस है, कैसा है? कलरलेस सॉल्यूशन, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एसिडिक सॉल्यूशन था। मिथाइल ऑरेंज सॉरी फिनोल्फथैलीन को, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन। अब यहां से देख लो, फिनोल्फथैलीन को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ये कर देता हूं, नोट करते रहना साथ ही साथ में इसको। अगर फिनोल्फथैलीन को किसी हम सॉल्यूशन में डालते हैं और सॉल्यूशन का कलर हमें कैसा मिल जाता है? पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल जाए। अगर सॉल्यूशन पिंक कलर का मिलता है, इसका मतलब सॉल्यूशन किस नेचर का है? बेसिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक नेचर का है। तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन था अबाउट द इंडिकेटर्स, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देंगे, इस चैप्टर का ये पार्ट वन है, एसिड बेसिस एंड साल्ट का आप ये पार्ट वन देख रहे हैं।
इसके बाद फिर अभी मैं पार्ट टू बनाऊंगा, अभी ये पार्ट वन है, पार्ट वन। ओके, तो इंडिकेटर मैं इसमें फिक्स कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देख लिए, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपने फोर टाइप्स के देख लिए, कौन कौन से थे, एक तो लिटमस देखा, एक आपने रेड कैबेज देखा, इसके बाद आपने देखा टर्मरिक, इसके बाद चैनल रूस, और इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर में दो तरह के देखे, मिथाइल ऑरेंज और आपने फिनोल्फथालीन। अब मैं एक अलग टाइप का इंडिकेटर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये एक अलग टाइप का इंडिकेटर इसमें आ गया है, जो है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देखो ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री का मतलब स्मेल से है। इसके दो एग्जांपल हैं, एक तो है ऑनियन और दूसरा है वेनिला। ऑनियन तो सबने देखा होगा और वेनिला, वेनिला आपने नहीं सुना होगा, वेनिला एक टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसकी बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है इसमें, इसको हम कह सकते हैं प्लीजेंट स्मेल इसके अंदर आती है। और इसमें ऑनियन में जानते हैं आप, जब उसको ऑनियन को भी काटते हैं तो एकदम झड़प निकलती है, उसमें पंजेंट स्मेल आप कह सकते हैं, उसको पंजेंट स्मेल बोल देते हैं, पंजेंट स्मेल। अब होता क्या है कि इनके द्वारा, ये भी देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, इनके द्वारा भी मान लो घर में आपके कुछ भी नहीं है, तब भी आप इसके द्वारा या इसके द्वारा ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। देखो कैसे, ओनियन है आपका, ओनियन में स्थिति एकदम बहुत तेज झड़प आती है, तो आप क्या करेंगे, इस ओनियन को किसी सॉल्यूशन में डाल दो, ओनियन को किसी सॉल्यूशन में डाल देंगे। ओनियन को सॉल्यूशन में डालने पर इफ हम कहेंगे कि इफ इट्स स्मेल डिस्ट्रॉयड, अगर इसकी स्मेल डिस्ट्रॉयड हो जाती है, इफ इट्स स्मेल डिस्ट्रॉयड, अगर इसकी स्मेल डिस्ट्रॉयड मीन्स गायब हो जाती है, कोई स्मेल नहीं आती है, इट मींस क्या हुआ कि जिस सॉल्यूशन में हमने डाला था ये ऑनियन, वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक नेचर का है, दैट इज द बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर? अगर हम कहेंगे कि ऑनियन को किसी सॉल्यूशन में डालने पर इफ स्मेल डज नॉट डिस्ट्रॉय, स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इफ स्मेल डज नॉट डिस्ट्रॉय, डज नॉट डिस्ट्रॉय, स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इट मींस जो सॉल्यूशन है दैट इज द एसिडिक सॉल्यूशन, वो हमारा कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया? सेम यही कंसेप्ट इसमें लगता है, इसकी प्लीजेंट स्मेल आती है। वेनिला आपका एक फ्लोरिंग प्लांट होता है, वेनिला एक्सट्रैक्ट बना लेंगे, वेनिला एक्सट्रैक्ट का मतलब उसका जूस बना लेंगे, वेनिला एक्सट्रैक्ट को अगर हम वेनिला को हम किसी में डालते हैं, वेनिला को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन डालने पर अगर इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बेसिक सॉल्यूशन है, अगर इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का ये पार्ट वन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम पार्ट टू में एक्वा सॉल्यूशन, आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एल्कली के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स यहां आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट साइंस मींस साइंस की आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इतना ही नहीं, अगर आप आईआईटी बीएड या सीएसआई या नेट वगैरह की प्रिपरेशन आप या आपकी कोई घर में रिलेटिव में करना चाहेंगे तो वो भी मैं करवाता हूँ। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना है कि आप क्या करेंगे कि अगर आपको कोई डाउट है तो ये नंबर हमारा लिखा हुआ मैंने सीधे लिख दिया है 8630711937, आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं सर ये डाउट हमारा है या ये टॉपिक मुझे कम समझ में आया है, यह चीज नहीं समझ में आई, तो उसमें आप लिख दीजिए, यूट्यूब पर लिखेंगे, अगर नहीं लिख सकते तो आप कॉल कर सकते हैं,
आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।